उधर क्रियांश को लेकर के चली गई है जिया और इधर जो है माँ पूजा को कर रही है कंटिन्यू। तो ये है हमारा आज का लुक, हमने पूजा कर लिया और बहुत लोग कमेंट ये भी कर रहा था कि जिया दीदी आप क्यों नहीं किए। ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हम आए हुए हैं जी बाहर और हाथ में लिए हुए यह झोला, इसमें है साड़ी। जी हाँ, मम्मी के जितिया का साड़ी है यह, यही साड़ी पहन करके जो है मम्मी पूजा करेगी। तो अभी चल रहे हैं घर, तो चलते हैं। और बाकी जी मौसम का देख रहे हैं कि आज लगता है इंद्र देवता जो है फिर बरसने वाले हैं। देख रहे हैं धूप भी है और थोड़ी सी बारिश की लक्षण भी है, तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पापा पापा कितना बार चिल्लाया? प्यार प्यार देखो, प्यार लड़का का। तो क्रियांश आ गया नीचे दादी के पास और देखिए ये क्या कर रहा है इसे। अच्छा, इससे पैर देखे फ्रिज को देखिए, वहाँ पैर पूरा फंसा के चल रहा है। तो जिया तो अपना नहा करके आ चुकी है, बारी हमारी नहाने की, तो जाते हैं जल्दी से नहाते हैं। उधर क्रियांश सो भी रहा है, तो क्रियांश जब तक सो रहा है तब तक उसका फायदा उठाया जाए, जो भी अपना पेंडिंग काम है हर एक पेंडिंग काम को पूरा कर लिया जाए। तो ये है हमारा आज का लुक, हमने पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया और जो है हमें बहुत सारी वीडियोस भी शूट किए छत पे जाकर के पति देव के साथ, क्रियांश के साथ। क्रियांश भी सो के उठ गया था तो हमने सोचा क्रियांश के साथ भी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये है हमारी सारी, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये सारा 1 ग्राम ज्वेलरी है जो कि हमने इंस्टाग्राम के ऑनलाइन पेज से लिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पहले लग रहा होगा ये गोल्ड है, गोल्ड नहीं है, कुछ भी मैंने गोल्ड का नहीं पहना है, सारा 1 ग्राम ज्वेलरी है। और ये भी, तो अभी बाबू पी रहा है दूध, डूडू पी के जाएगा नीचे, है ज्ञान जी। तो माँ अभी स्नान नहीं किए, माँ शाम में पूजा करेगी, तो माँ जो पूजा करेगी मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो क्रियांश का जो हो गया है दूध पिया हुआ, अब जा रहा है मम्मी का मेकअप बॉक्स चिराने के लिए, हैं पूरा मिल गया एनर्जी इसको। आप जैसे बोले तो नहीं है, क्रियांश उसको मत गिरा देना कारपेट को, सारा प्लानिंग जान रहे कारपेट को गिराने का। तो माँ आ गई है पूजा घर में, जिया तो पहले से ही पहन होर करके तैयार है और क्रियांश अपना बदमाशी कर रहा है और यहाँ जो रिंग लाइट है इसको हिलाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को प्रॉपर लाइट आए इसलिए जो है हमने रिंग लाइट यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वह बल्ब उसमें उतना रोशनी है नहीं जिससे जो है आपको क्लियरली दिख पाए। और यहाँ पर जो है पूजा का सारा सामान सब आ चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बचा हुआ है। कल हमने सब कुछ खरीदा था, बस एक रह गया था झिंगली का पत्ता। तो झिंगली के पत्ता के बारे में शायद सुन रहे हैं कि वो भी आ ही गया है, मोहल्ले में आ गया था। तो माँ बता रही है कि 40 रुपए में 10 झिंगली का पत्ता, मतलब पत्ता एक पत्ता 4 रुपए का। ओ भाई साहब, 30 रुपया पाव। कोई बता रहे थे किसी के शहर में 80 रुपया पाव मिल रहा था झिंगली, तो ऐसा कंडीशन सब है। तो इस समय में जो है महंगा रहता ही है, तो अब जो है जल्दी से पूजा को शुरू किया जाए। हम इसकी जो पहाड़ी में बैठे हुए हैं कि ये जो है इधर से उधर सामान गिरा नहीं दे इसको, लाइट जलाने दे, इसलिए पापा को इसी चापलूसी हो रहा है इसीलिए। और आज कहीं जाना भी नहीं चाह रहा, यही रहेगा। हाँ, क्या क्या कर रहे हैं, मार रहे हमको, पीट रहे हमको। तो अब बारी है जी डाला भरने की, तो एक एक करके जो है सारा डाला भरा जा रहा है। यहाँ पर है बेलपत्र, तो बेलपत्र भी आ गया है और साथ में बाकी सब तो है ही। आ गया है, तुमको क्या भरना है, तू कोई मदद कर दे क्या पूजा में? एक क्रियांश कहाँ जाला है, देखो वो सारा पत्ता हटाएगा। उधर क्रियांश को लेकर के चली गई है जिया और इधर जो है माँ पूजा को कर रही है कंटिन्यू, क्योंकि क्रियांश के रहते हुए जो है थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि क्रियांश जो है जितना भी पत्ता है यहाँ पर सबको चाह रहा था कि अच्छे से बिखेर दे। तो काफी अच्छा लगता है जी जितिया पूजा के दौरान, और हमें ध्यान है अपने स्कूल के दिन का भी समय भी जो है माँ जितिया पर्व सब क्या करती थी, लेकिन माँ जो है किसी भी तरह से हम लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें नहीं रखती थी। सारा प्रसाद लाना हो चाहे जो भी चीज हो वो पापा कर देते थे और उसके बाद जो है माँ और पापा दोनों मिलकर के कर लेते थे। आज जब बड़े हो गए तो हमें भी सौभाग्य मिला है कि इस पूजा में अपने तरफ से भी कुछ जो है सहयोग कर पाए। जय
महादेव को तो कमी बेसी से ध्यान रखो। तो यहाँ पे माँ डाला भर दी है, पूरा ढक दी है, नहीं माँ? हाँ, सारा फल जितना फल भगवान हैसियत दिए है जितना उस अनुसार सारा फल ले आए। हाँ। पांच तो होना ही चाहिए, चाहे 25 गो हो, पाँच गो। हाँ। लेकिन गिनती में 5 होना चाहिए। हाँ। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी। हाँ। हैसियत के अनुसार होता है। हाँ, भगवान जैसा दिए वैसा करेंगे, वैसा कीजिए। अमान के 50 उसको ढक दीजिए। अच्छा, तो कल जो माँ इसको हटाएंगी तो फिर ये क्यों चढ़ाया जाता है ये सब पता उसके बारे में आपको कल हम लोग बताएंगे पूरा अच्छे से। अभी तो चढ़ा दिए ना? चढ़ा दिए, कल जैसे हम निकालेंगे ना तो उस समय हम बता देंगे। हाँ। कि किसकी क्या प्रधानता है और किसको चढ़ाने से क्या फल। हाँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आगे छोर से प्रार्थना करते हैं, इसी तरह सब जितिया करते हैं, भगवान हर माँ को जितिया नसीब है, जितिया सबके लिए करना, जिसको संतान है वही करता है। हाँ। प्रभु ऐसा दिन करेंगे तो जितिया करेगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, नैहर सासुर अगल बगल समाज परिवार सबके लिए, सबके लिए भगवान से दुआ करते हैं कि सबका वंश रहे, सबका सुहाग रहे। और बहुत लोग कमेंट ये भी कर रहा था कि जिया दीदी आप क्यों नहीं किए, ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम माँ हैं। हाँ, माँ कर ही रही है, लेकिन बात तो नहीं है, सिर्फ बेटा के लिए कर रहे हैं। हाँ। पोता के लिए भी सबके लिए कर रही हैं। और अभी जिया लोग है, हो सकता है कि और बच्चा एक ठो ले। हाँ। और दो ठो बहू है, दोनों को जो बाल बच्चा से दोनों निवृत्त हो जाएगी तब हम समझेंगे कि तो इन लोग क्या बता देते हैं। हाँ। क्योंकि ये ऐसा व्रत होता है कि ये छोड़ा नहीं जाता, अगर छूट गया तो फिर आप दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए तो थोड़ा सा सोच समझ के नहीं उठाएगा। हाँ। उठा लिए और चला नहीं। हाँ, इसीलिए माँ बोली अभी बहुत छोटी है, बड़ी होगी तब करना। हाँ। किसी भी पूजा को निष्ठा और प्रेम से किया जाता है, और हम कभी सोचेंगे कि मेरा बेटा का हुआ पोता का नहीं। हाँ, वही तो माँ, हम तो संपूर्ण विश्व की कामना ईश्वर से दिन रात करते हैं। माँ भी कर ही रही है, तो इतना भीख मांग दी है महादेव के चरण में, 7 पीढ़ी पर दुआ बना रहे, अपना ही नहीं सबको, भाई भतीजा समाज परिवार सब। इधर जल गया जी दीपक, और दीपक जलने के बाद बारी है अब जो है आरती करने की। जी हाँ, यहाँ पर पूजा और आरती करने के बाद माँ चलेगी पास के मंदिर में, वो जो मंदिर है हमारी कॉलोनी में है, तो वहाँ पर जाकर के माँ हमेशा पूजा करती है जब भी किसी तरह का ओकेजन आता है। और माँ को हमने एक चीज देखा है कि माँ जब भी पूजा करती है, भगवान की तो पूजा करती है ही, साथ में जो हमारी पूर्वज है उनकी भी जरूर पूजा करती है। पूजा हो गया है, माँ का घर में पूजा हो गया, और क्रियांश इतना खुश हो रहा है, हम इनको बोले कि माँ जाएगी मंदिर तो ये ताली बजा रहा था। बस ऐसे लग रहा है किसको भी जाएगा, ये भी जाएगा, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, फिर दादी पूजा कैसे करेगी, यहाँ तो चैन से पूजा करने नहीं दिया लल्ला। तो माँ आ गई है कि अभी पास के शिव मंदिर, यहाँ पर अपना पूजा कर रही है, और यहाँ पर पूजा करके जो है चलेगी, एक और मंदिर है हमारे यहाँ कॉलोनी में, वहाँ लेकर के चलेंगे माँ को। अपना मठिया दिखाओ, आज प्रियांश ने नया नया मठिया पहना है। हाँ, दिखा रहा है, देखिए कितने प्यार से। कैसे लगा पूछो, कैसे लगा आप लोगों को जितिया के दिन, मम्मा ने दिया, दादी ने दिया, छब ने दिया। हाँ, तो यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, ये यहाँ सटा हुआ था, इसको हटा दिया इसने लल्ला। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा मठिया है क्रियांश का।